हेलो दोस्तों, आप सभी कहते हैं मेरे चैनल बी टेक में, और आज हम बात करने वाले हैं फाइव मिथ्स जो कि चार्जिंग के बारे में हैं। नंबर वन मिथ ये है कि यार मतलब कि हर एक फ़ोन में एक ही चार्जर, जो उस पैकेट में मिलता है चार्जर, वो यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी चार्जर अच्छा हो, अच्छी कंपनी का हो, रिकमेंडेड कंपनी का हो, तो यूज़ कर सकते हो, इस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी चार्जिंग का इशू होता है वो उन कंपनी से होता है जो कि मतलब कि कोई फुटपाथ पे चार्जर बेच रहा हो, मतलब कि जो ट्रस्टेड ब्रांड का ना हो, उस पर थोड़ा वो होता है कि ये चार्जर ख़राब हो सकता है, फ़ोन को ख़राब कर सकता है। दोस्तों, नंबर टू बात है पावर बैंक। पावर बैंक फ़ोन को हैंग करता है यार। फ्रेंड्स, जो पावर बैंक होता तो चार्जिंग के लिए ही बना होता है, वो फ़ोन को कैसे हैंग कर सकता है यार। वो फ़ोन को मतलब कि अच्छे ढंग से अगर उसका आउटपुट जा रहा हो, करंट्स वगैरह अच्छे ढंग से फ्लो हो रहे हो, तो फ्रेंड्स पावर बैंक का मिथ भी सबसे बड़ा मतलब कि मिथ है। दोस्तों, अगला मिथ है कि अगर लाइटनिंग हो रही हो, मतलब कि बादल गरज रहे हो, तो उसके ड्यूरिंग चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। यार फ्रेंड्स, अगर घर में अर्थनिंग की गई हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चार्जिंग के लिए। आप फोन, लेकिन ना दुर्घटना का कभी पता नहीं चलता है, कभी भी आ सकती है। दोस्तों, अगली मिथ ये है कि ओवरनाइट चार्ज कभी भी फ़ोन को नहीं करना चाहिए। यार फ्रेंड्स, आज की डेट में जो स्मार्टफोन्स हैं वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप ओवरनाइट चार्जिंग कर सकते हो फ़ोन की, ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ, पहले जो फर्स्ट जनरेशन के फ़ोन्स होते थे उनमें होता था कि बैटरी फुल जाती थी। फ्रेंड्स, कीपैड वाले फ़ोन होते थे, इसलिए आज की डेट में अभी तक कोई इशू नहीं आया है इसका कि ओवरनाइट चार्जिंग से ये इशू क्रिएट हो सकता है। दोस्तों, अगला मिथ है कि अगर हम फ़ोन को चार्जिंग में लगाए और कुछ गेम खेल रहे हो, जैसे कि पबजी वगैरह, तो फ़ोन खराब हो सकता है। दोस्तों, जो ये मिथ है ये थोड़े हद तक ठीक है, लेकिन अगर फ़ोन मतलब कि अगर गर्म इशू ना हुआ हो फ़ोन में, तो आप अच्छे से चार्जिंग में फ़ोन लगा सकते हो गेम खेलते वक्त, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि फ़ोन ओवर चार्जिंग हो चुका होगा, तो लोग कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई इशू हो सकता है इसके मतलब कि इसकी वजह से। तो दोस्तों, आज के फ़ोन इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि कोई भी इशू नहीं, उससे कोई भी इशू नहीं आएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरा चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।